बिहार और यूपी के लिए लोग आप ही लोग कहते हैं कि क्राइम का इसमें बढ़ेगा नहीं क्राइम इस तरह का युद्ध देखने के बाद? नहीं, इसमें ऐसे कुछ क्राइम नहीं है। देखिए क्या रहा, मैं बताऊं फिल्म में जो गोली बंदूक दिखा, चुके ट्रेलर है, फिल्म में उतनी गोली बंदूक नहीं दिखेगी, जहां सकता है वो दिखेगी, क्योंकि बिहार में और यूपी जो एरिया है वो दबंग लोगों का एरिया है। 90% क्राइम आज के डेट का, 99% क्राइम फिल्म देखने के बाद ही हो रहा है। 99% क्राइम। जी आप सही बोल रहे हैं, और फिल्मों से बहुत इफेक्ट पड़ता है, नई जनरेशन है वो देखती है। ओ भैया, लेकिन अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो उसमें वही मैसेज है। अगर आपने ट्रेलर में भी देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ है, बीच में आता है लिखा हुआ फाइट फॉर जस्टिस। तो कैसे ये परिवार जो है, जो एक साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पर वो सिस्टम में घिरे हुए हैं, वहाँ पे क्राइम हो रहा है, गोलीबारी हो रही है, उसके बावजूद भी वो कैसे सिस्टम से लड़ते हैं और कैसे वो एक सही रास्ते पर जाने की कोशिश करते हैं। एक आपने बहुत इम्पोर्टेंट डायलॉग भी सुना होगा फिल्म में कि जहाँ पर क्राइम होता है वहाँ पर इंसाफ की आंधी भी आती है। तो वही फिल्म का जो दो तारा हो गया ना, आपका एक तारा हो गया जस्टिस के लिए गोलीबारी उठाओ, नेता का एक तरह हो गया कि आंदोलन शुरू करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि जस्टिस के लिए गोलीबारी करो, वो बिल्कुल भी फिल्म का तो वही दिखा रहे हम लोग, तो वही दिख रहे हैं। फिल्म का मैसेज वो नहीं है। फिल्म आपको बताता हूं, गंगा जल फिल्म देखी होगी आपने मेरी, अगर हम नहीं होते तो अजय देवगन क्या उखाड़ लेते बताओ। अब भाई कुछ होगा क्राइम, तभी तो इंस्पेक्टर, तभी तो सच्चाई जीत कैसे होगी? सच्चाई की जीत तभी ना होगी जब वहां बुराई होगी, तो बुराई कुछ तो दिखाना पड़ेगा। ये बात से मैं आपको बिल्कुल सहमत हूँ कि वायलेंस कम दिखाना चाहिए आज के टाइम में, लेकिन मेरे ख्याल से पूरी फिल्म जितना वायलेंस है सारा प्रोमो में दिखा दिया है। इतना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो सही जगह पे, सही सिचुएशन पे, जहाँ जरूरत है, जहाँ पर बिल्कुल बलात्कारी या किलर लोग हैं, वहीं पर गोलाबारी की गई है जगह पे। बाकी फैमिली, पूरा फैमिली ड्रामा है, कॉमेडी है पूरा। आपने दबंग फिल्म देखी होगी या दामिनी भी देखी होगी, ढाई किलो का हाथ और घायल भी देखी होगी। ये जितने फिल्म के राइटर हैं, दिलीप शुक्ला जी, उनकी लिखी हुई है ये फिल्म और उनके डायलॉग है, ये उन्हीं की फिल्म है, तो वो बिल्कुल उस तरीके के डायलॉग लिखते हैं जो बिल्कुल एक कमर्शियल और सेंसिबिलिटी के साथ जो मिक्सचर होता है। तो और साजिद वाजिद का म्यूजिक है बड़ा अच्छा ही, प्यारा समीर, सोनू निगम और श्रेया घोषाल के गाने हैं, हमारे नंदीश भाई परनीता उसमें आने वाली हैं, अभी वो हीरोइन है, और जिमी शेरगिल, माही गिल, सौरभ शुक्ला, पवन मल्होत्रा, मनोज पाहवा जिसको आपने भी आर्टिकल 15 में देखा होगा, इनकी भी सुपर 30 अभी चल रही है फिल्म, और बहुत अच्छे अच्छे राजजोशी जैसे, मुकेश तिवारी जैसे एक्टर, बहुत एक एक्टरों की क्रीम टीम इकट्ठी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहानी अच्छी हो जाए, दिलीप शुक्ला की कहानी है और एक्टर कास्टिंग अच्छी हो जाए तो आधा काम हो जाता है। और आज हमारा स्ट्रगल यही रहता है कि जन जन तक कैसे पहुंचाएं और हॉल हॉल में कैसे रिलीज करें, ये स्ट्रगल ज्यादा है, ताकि लोगों को पता चले कि फिल्म कैसी है, वरना हमारी फिल्म में कोई कमी नहीं। यशपाल जी, वेद प्रकाश बोल रहा हूँ, एक सवाल मेरा है कि ये फिल्म जो है, जो जानकारी मुझे मिली है अब तक कि सामाजिक परिवार जो अभी जो सामान्य परिवार है उसमें किस तरह आधुनिक परिवार का, उसमें जो पारंपरिक मूल्य हैं उन पर आधुनिक आधुनिकता का कैसे चकाचौंध चढ़ता है, इसको दर्शाया गया, किस तरीके से इसकी प्रस्तुति की गई है और क्या ये संदेश लेकर जाएगी, फिल्म का संदेश क्या? फिल्म का संदेश यही होगा जो हमारे सामने बैठे हैं नंदीश, इन्हीं की जो फिलोसफी है, ये जिमी शेरगिल के भाई हैं, तो जिमी शेरगिल लोग बाकी के लोग जो फैमिली में हैं उनकी फिलोसफी कुछ अलग है, वो चाहे साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन एक एक विचार ऐसा है, और हर फिल्म में वही होता है, एक विचार ऐसा होता है जो सारे बुरे विचारों से लड़ता है, वही विचार है नंदीश का जो रोल है, वो चाहे कोई भी, चाहे इसको कमजोर बोले, घटिया बोले, डरपोक बोले लोग, लेकिन सबसे बड़ी ताकत अंत में यही निकल के आती है। मुझे लगता है इससे बड़ा संदेश सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है, इससे बड़ा संदेश कोई नहीं सकता। कई कलाकार हैं फिल्म में, दमदार कलाकार हैं और जाने माने अभिनेता भी हैं, सौरभ शुक्ला हैं, जिमी शेरगिल हैं, आप खुद हैं, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, पवन मल्होत्रा, रितेश हैं और भी बहुत सारे लोग हैं,
अच्छे एक्टर, इसमें सबसे दमदार किरदार आपकी नजर में किसका है? मेरी नजर में सबसे दमदार स्क्रिप्ट है, और बाकी फिर हमें कुछ भी दो तो मुझे लगता है कि वो सब सेक्रेटरी है। सबसे बड़ी स्क्रिप्ट है इसके अंदर, और स्क्रिप्ट में अंदर ताकत है। और जहां तक अगर आप फिजिकली आप बोले तो मुझे लगता है सबसे दमदार किरदार जो है वो जिमी शेरगिल और सौरभ शुक्ला का है, जो अगर एज एन एक्टर अगर मैं देखता हूँ। इसकी शूटिंग कई जगहों पर हुई है, खासतौर से प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर हैं इसके बिहार से जुड़े हुए हैं, बिहार और झारखंड से, इस वजह से यहाँ के लोगों को इंतजार भी है इस फिल्म का, इस मूवी का। एक सबसे बड़ी बात, शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है जहाँ तक मेरी जानकारी? मुंबई। अजय कुमार हमारे साथ ही बैठे हैं, सिंह प्रोड्यूसर जो है इस फिल्म के, और मैं एक नई बात पर इनको देता हूँ माइक, वो बताएंगे खुद ही। बस एक नई बात जरूर बताना चाहूंगा कि आज के इस दौर में बॉलीवुड में बाहर से किसी प्रदेश से आया हुआ व्यक्ति, नया व्यक्ति जिसकी कोई जानकारी ना हो इंडस्ट्री में, वो एक स्टारों के साथ और बड़े सेलिब्रिटीज के साथ फिल्म बना ले, बना तो बहुत लोगों ने ली, लेकिन रिलीज भी कर दे और उनको हॉल भी मिल जाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और मुझे लग रहा है कि ये सक्सेस हो गया है और परसों आपके सामने पूरी इंडिया में फिल्म रिलीज हो जाएगी। तो मैं अजय कुमार जी को ही दूंगा माइक, वही बताएंगे कि कहाँ कहाँ शूटिंग हुई और कैसे। नहीं, हम लोगों ने फिल्म की शूटिंग लखनऊ में किया है और दिल्ली में किया है, बॉम्बे में किया है, बिहार में करने का मौका नहीं मिला हम लोग का। अभी अगली फिल्म हम लोग बिहार में जरूर शूट करेंगे, क्योंकि बिहार में उसके लिए संसाधन तरह से जा रहे हैं कि हम लोग आगे शूटिंग करें बिहार में। आजकल बिहार के कहानियों पे फिल्म जरूर बनती है, ये बिहार में शूटिंग नहीं होती क्योंकि हमारे यहाँ संसाधनों की कमी होती है, शूटिंग की बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है। तो पिछले हम लखनऊ में शूट किए थे, क्योंकि हमारा बिहारी तहजीब यूपी में पाया जाता है, और पूरी फिल्म जो है ये यूपी बिहार की टोन की फिल्म है, क्योंकि हम लोग ही यूपी बिहार से ऐसे हैं जो दबंग होते हैं, थोड़ा दबंग ही हमारे अंदर होती है। ये फिल्म भी एक दबंग ही है, परिवार एक आपसी दबंग परिवार की कहानी है, उसमें दो भाइयों की विचारधारा की कहानी है, जो कैसे एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और एक कैसे क्राइम की तरफ बढ़ते हैं, एक कैसे उसे संघर्ष करते हैं, परिवार को अपना समेटने करते हैं। हम लोग एक मैसेज के साथ फिल्म में आए हैं और आपको बहुत सारी चीजें फिल्म में देखने को मिलेगी। इतनी गोली बारूद दिख रही है लेकिन इतनी गोली बारूद फिल्म में नहीं दिखेगी, ये तो 2 मिनट का ट्रेलर था, फिल्म तो आपकी 2 घंटे की है ना, इसलिए उतनी वायलेंस की चिंता नहीं करनी है, कितनी वायलेंस होगी। फिर पूरी फिल्म में जस्टिस की गई है, सारे एक्टरों को सही से ही किरदार दिया गया है और सब ने अपने अपने किरदारों के साथ जस्टिस किया है, तो आप फिल्म देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और सब लोग कनेक्ट होंगे, सबको लगेगा कि नहीं ये हमारी तो नहीं, हमारी घर की फिल्म है और हमारी कहानी तो नहीं है, क्योंकि आम पब्लिक की कहानी है, आम जो हमारे देश में हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं फैमिली है उसको हमने पकड़ा है। मैंने अजय जी एक सवाल और, आपने कहा कि बिहार में संसाधनों की कमी है, झारखंड में संसाधन बहुत है और वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फिल्म की शूटिंग के लिए सरकार भी वहाँ पर है, सब्सिडी दे रही है, रियायत दे रही है, फिल्मकारों को बुला रही है और लोग आ भी रहे हैं वहाँ पर। पिछले दिनों कई बड़े स्टार वहाँ पहुंचे और उन्होंने हामी भी भरी है और कुछ हद तक शूटिंग भी हुई है और कई फिल्में बनी हुई है वहाँ पर। बिहार और झारखंड में अगर बिहार और झारखंड के प्रोड्यूसर्स तो खैर आए ही, ये तो हम लोग चाहेंगे ही, लेकिन बाहर के लोग भी, मुंबई के बड़े जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उनको आकर्षित करने के लिए क्या ये जरूरी नहीं है कि जो बिहार झारखंड के ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो पहले वो शुरुआत करें यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग शुरुआत करेंगे। झारखंड में मैंने एक फिल्म बनाई थी इलाका किशोर, हमने अभी लास्ट ईयर हमने रिलीज किया था फिल्म, क्योंकि टोटल कलाकार हमने झारखंड के लोगों को ही लिया था, एक रांची में जगह इलाका किशोरगंज, तो हमने उस पर एक बेस्ट फिल्म बनाई थी। तो चूंकि क्या है ना, पहले सबसे जरूरी होता है कि हमको पहले बॉलीवुड में अपने को स्थापित करना है, जब तक हम वहां पर स्थापित नहीं होंगे फिर हम अपनी पहचान कैसे बना पाएंगे। हमको पहचान बनाने के लिए पहले बॉलीवुड में अपनी जगह बनाते हैं, बड़े जगह पर फिल्म बनाते हैं तो हमको जगह मिलती पूरे देश भर में। अगर हम केवल बिहार में करते हैं, जब हम अपनी जगह बना लेंगे तो हम जरूर बिहार में आएंगे और हमें अपील बनाएंगे, तब पहचान मिलेगी। आज ऋतिक रोशन आए थे पूरे पर, उन्होंने शूट किया था जाकर के बैंकॉक में और दुनिया में जहां में, तब उनकी पहचान मिली थी, तब आज बिहार वाले जानते हैं बिहार में आए। लेकिन अजय जी एक शिकायत जरूर रहती है यहाँ पर कि बिहार के परिपेक्ष में या बिहार के सब्जेक्ट्स पर या बिहार और झारखंड के इश्यूज पर या यूपी के कई ज्वलंत मुद्दों पर फिल्में बनती हैं, फिल्में हिट भी होती हैं, सुपर डुपर हिट होती हैं, स्टार्स बनते हैं, स्टार्स का नाम होता है उन फिल्मों से, उन्हें अवार्ड मिलता है, सम्मान मिलता है, बावजूद इसके बीते कई वर्षों से
यशपाल शर्मा जी को जो आपके बगल में बैठे हैं खुद उदाहरण है, गंगा जल में इन्होंने बचाओ, मतलब ये एक ऐसा किरदार था जो आज भी जुबान पर है लोगों का, साधु यादव के बेटे के रूप में आए, सुंदर यादव, सुंदर यादव, हाँ सुंदर यादव, तो ये जुबान पर है, बचा तो इंस्पेक्टर था, तो खैर ये चीज मैं कह रहा हूँ। तो ये सारा चीज, ये जो चीजें हैं, ये क्यों नहीं लोग समझ पाते कि बिहार और झारखंड के सब्जेक्ट पे बना रहे हैं तो बिहार और झारखंड के लोगों को का इन्वॉल्वमेंट उसमें ज्यादा से ज्यादा, कलाकारों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा। जब वो फिल्म शूट हुई थी गंगा जल, तो पता था बिहार में शूट नहीं हुई थी, सारी भोपाल में शूट हुई थी, एमपी में, यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं बिहार में मैं बताऊँ ना, देखिए फिल्म जब हम शूट करने आते हैं ना, तो हमारे पास 200-250 आदमी की यूनिट होती है, उनका रहना, सारी व्यवस्था, वैरायटी वैन्स, सारी संसाधनों की आवश्यकता होती है, 5-star होटल चाहिए जहाँ पे हम रह पाएंगे, पटना में छुट्टी करेंगे ना, हमको शूट करना होगा, आरा जाना होगा, मोतिहारी जाना होगा, समस्तीपुर जाना होगा, तो वहां पे संसाधन चाहिए हमको जिससे हम वहां जाकर रह सके लोगों को, चूंकि जो बड़े एक्टर आएंगे उनको 5-star होटल चाहिए, आपके बिहार में एक ही मौर्या होटल 5-star होटल है और तो कहीं नहीं है, ये गवर्नमेंट को सोचना होगा भाई हमारे यहाँ संसाधन हो, रहने की व्यवस्थाएं हो कि जो लोग आए तो उनको रहने की व्यवस्था तो मिले, कैसे आएंगे रहेंगे हम, अगर किसी बोले सलमान खान को कि चलिए बिहार में शूट करने के लिए, बोले कहाँ रखिएगा हमको आप बिहार में, ये बहुत दिक्कत है, बहुत घबराते हैं लोग भाई बिहार में इस तरह का बहुत रहने में दिक्कत है, तो ये सब दिक्कत है, जब ये संसाधन हो जाएंगे हम जरूर आएंगे, हालांकि हम नेक्स्ट फिल्म के लिए आ रहे हैं बिहार शूट करने के लिए, हमारी अगली फिल्म है एक हाई दरिया लोकेशन, एक साइबर क्राइम के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बिहार शूट करने आएंगे, पक्का हमने प्लान किया है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। अजय जी एक सवाल है, बिल्कुल एक सवाल है, आपने कहा कि बिहार में संसाधन नहीं है, आपने इस मुद्दे पर कभी सरकार से बात की कि हम करना चाहते हैं शूटिंग या ऐसा कुछ करना चाहते हैं, आप हमको संसाधन उपलब्ध कराएंगे, पहली बात, दूसरी बात है यह कह करके आप बिहार सरकार को चुनौती भी दे रहे हैं? नहीं, मैं आभास दिला रहा हूँ कि ये सच्चाई है, आप ही जानते हैं इस चीज को, आपको ये सच्चाई तो एक्सेप्ट करने पड़े, मेरा भी घर आ रहा है, मैं बखोरापुर गाँव से रहने वाला हूँ भोजपुर जिला का, मेरे को अगर किसी एक्टर को आरा ले जाना होगा तो कोलवरपुर में 3 घंटे जाम फंसना होगा ना, जाएगा कोई नहीं जाएगा, यही से तो कहता नहीं बात, हाँ ये सच्चाई हम एक्सेप्ट